पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों की धान फसल बर्बाद हुई है। धान का दाना काला पड़ने से उसका मूल्य घटकर मिल रहा है। राइस मिल संचालकों को भी धान खरीदना नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश ने धान की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाया है। बारिश व हवा से खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल गिर गई है। धान का अधिकतर दाना काला पड़कर गल गया है। बाजार में ऐसे धान की कीमत में भारी गिरावट आ गई है। बारिश से पहले कटने वाला शरबती धान 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा था। बारिश के बाद वही धान 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। दूसरी ओर राइस मिल मालिक भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश के बाद तैयार हुए धान में चावल की रिकवरी घट जाने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे धान से जो चावल तैयार हो रहा है उसमें काफी मात्रा में काला चावल निकल रहा है, जिसकी मार्केट में कीमत काफी कम है। इसलिए बारिश के बाद का धान खरीदना नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। जहां एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसान सेवा सहकारी समिति फीना में एक महीने से खाद उपलब्ध नहीं है। इससे किसानों को फसल बुआई के लिए खाद के लिए प्राइवेट दुकानों के अलावा इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।